Bukit Panjat Indo. ये हो गया, ऐसा करते गर्दन सन करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, फिर त्रिकोणासन करना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, टाइम कैसे करना है, समय कैसे करना है। पहले दाहिने पांव खोलना है, लंबी सांस लेते हुए 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे नहीं करती है, थोड़ा दूर दूर हो जाइए, नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, दाहिने तरफ झुकना है, 1 2 3 4 5, सामने के सामने देखिए, हाथ पे सीधा ही बस, हाथ ही नहीं आसमान तरफ, करो वापस 5 4 3 2 1। बच्चों को तो आपको ऐसा कलर से ले लेंगे, एक ड्रेस कोड मिल जाएगा। 5 4 3 2 1। लंबी सांस लेते हुए शुक्र सर पेन रखियो, धीरे धीरे झुक जाइए, 1 2 3 4 5 झुक जाएंगे, वापस 5 4 3 2 1। फिर लंबी सांस लेते हुए पूरा पीछे झुकेंगे, 1 2 3 4 5 दूसरे रुक जाएंगे, फिर वापस 5 4 3 2 1 विश्राम, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। समझ आ गया, ऐसे आपको बैठ के भी कुछ आसन किया जाएगा। तो बैठने के लिए क्या करना है, 1 2 सामने देखिए, सामने सामने इधर इधर तीन, आप इधर देखिए, सामने देखिए, हाँ हाँ, बैठ करवाने के लिए बस, इसको बोलते हैं वज्रासन। ऐसा बैठिए, द्वार सीमा के बैठिए, घुटने का बल पर, और लंबी श्वास लेते हुए सप्तासन करेंगे, नीचे झुकेंगे, माता रानी के जैसे प्रणाम करते हैं, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ऐसा करके बहुत सारे आसन सीखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक आसन मैं कर रहा हूँ, आपको मत करना, देखना है, ठीक है। ऐसा आपको एक पांव में खड़ा होना है, ऐसा धीरे 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 क्या करना है, दूसरा पांव को फिर वापस करना है, मतलब पास से ले लो, फिर दोनों हाथ में दोनों पांव को थोड़ा पलटी, ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, पद्म शीर्षासन करना है, ऐसा, ठीक है, हाँ ठीक।